नस्ला टावर की मिसमारी के खिलाफ एहतजाज, रिहायशी और बिल्डर्स एसोसिएशन इमारत के बाहर जमा, अंदर दाखिल होने की कोशिश पर पुलिस से झड़पें, मुजाहरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज, शेलिंग, रेंजर्स की भारी नफरी भी मौके पर मौत हुई। तिजोरी हाइट्स मिसमार, नस्ला टावर के 3 फ्लोर गिरा दिए गए, रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा, इमारत को नीचे से गिराने का फैशन कहां से आ गया, चीफ जस्टिस का इस्तफसार, बिल्डिंग्स गिराने का यही तरीकाकार है, कमिश्नर कराची का जवाब, अदालत उज़्मा काल बारी टावर पर तमाम सरगर्मियां रोकने की हिदायत, फरोख पर भी पाबंदी लगा दी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में नस्ला टावर केस की समाअत, जमात इस्लामी के मकामी अमीर की बोलने की कोशिश, आप कौन हैं, चीफ जस्टिस का हाफिज नईम रहमान से सवाल, यहां सियासी तकरीर नहीं हो सकती, तारुफ कराने पर जस्टिस गुलजार अहमद बरहम, रोस्ट्रम से हटने की हिदायत। मरियम नवाज, शाहिद खाकानाबाजी के खिलाफ तोहीनी अदालत की दरख्वास्त खारिज, कोई भी जज रिटायरमेंट के बाद अदलिया का हिस्सा नहीं रहता, जजेस को अवामी तनकीद से भी इस्तिस्ना हासिल नहीं, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। हमें फैशिस्ट कहने वाले खुद इससे भी बढ़कर हैं, इन्होंने मीडिया में तकसीम पैदा करने की कोशिश की, सब कच्चा चट्ठा सामने आ गया, मरियम नवाज किस हैसियत से फैसले करती रही हैं, वजीर आजम का सवाल, पीटीआई के आदत के इजलास में नून लीग रहनुमा की ऑडियो के मामले पर भी बहस। कराची में महंगाई सबसे ज्यादा, माफिया से कोई रियायत नहीं होगी, वजीर आजम का खाद की किल्लत पर इजहार तशवीश, मामला सिंध हुकूमत के साथ उठाने की हिदायत, इमरान खान के जेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का इजलास, मुल्क की सियासी सूरत हाल का जायजा। जगह जगह सिंध के अंदर माफिया नाके लगा के बैठा हुआ है और वो आम आदमी का जेब भी काट रहा है, किसान का भी इतसाल कर रहा है, इसका जवाब जो है वो सिंध हुकूमत को देना है। मुराद अली शाह की वजारत आला के अंदर जो हुकूमत कायम है और बिलावल इधर उधर बहुत तनकीद करते हैं, लेकिन उनको सिंध के अंदर अपनी हुकूमत की जो नाहली है वो नजर नहीं आती। सिंध में जगह जगह माफिया के नाके, सूबाई हुकूमत किसान दुश्मन पॉलिसियों पर अमल पैरा, नहरें तोड़कर वडेरों को पानी दिया जाता है, वफाकी हुकूमत काश्तकारों को बुनियादी हुकूक दिलाने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएगी, वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तला'आत फारूख हबीब की मीडिया से गुफ्तगू। अफवाहें कुछ ये भी आ रही हैं कि जी ये रुपया जो है ये डीमोनेटाइज हो जाएगा और ये कि जनाब इसके जो इसके बीच में और लोगों में थोड़ा सा पैनिक क्रिएट करने के लिए, कुछ ऐसी चीज़ नहीं होने वाली, कोई ऐसी चीज़ हम नहीं हरकत करेंगे जिसके से कोई मतलब किसी कॉन्फिडेंस में ये रद्दबदल हो। सो मैं स्पेकुलेटर्स को सिर्फ इतना वार्न करना चाह रहा हूँ कि ये रुपया दूसरी साइड पर जाएगा, हम कोई ऐसे इकदाम करें जिसको दूसरी साइड पर जाएगा, और जब जाएगा तो उनको बहुत बुरी मार पड़ेगी। मुल्क का असल मसला महंगाई, गरीब और लोअर मिडिल क्लास पिस रही है, शौकत तरीन का एतराफ, मिनी बजट नहीं ला रहे, कोई नया टैक्स भी नहीं लगा रहे, छूट जरूर खत्म करेंगे, शौकत तरीन की कराची में गुफ्तगू, रुपए की कदर बेहतर होने से सट्टाबाजों को बहुत मार पड़ेगी, मुशीर खजाना की वार्निंग। वज़ीर आज़म को उज़्बेकिस्तान के सदर का टेलीफोन, दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल, ट्रांस अफगान रेलवे प्रोजेक्ट की बरवक्त तकमील का इरादा, उज़्बेक सदर ने दौरे पाकिस्तान की दावत भी कबूल कर ली। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का आर्मी मेडिकल कोर सेंटर एबटाबाद का दौरा, एएमसी की पहली खातून कर्नल कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल निगाह चौहान को बैजेस लगाए, सिपा सलार की यादगार शोहदा पर हाजिरी, फातह खानी भी की। ऑपोजिशन का एहतजाज किसी काम न आया, सिंध असेंबली में बल्दियाती तरमीमी बिल मंजूर, इस पर इख्तलाफ का शोर शराबा, स्पीकर डाइस का घेराव, शदीद नारेबाजी के बाद ऐवान से वॉकआउट,
पूरे सूबे के सिस्टम पर डाका डालने की कोशिश की गई। लोकल बॉडीज एक्ट मुस्तरद करते हैं कुंवर नवीद जमील की मीडिया टॉक। चेयरमैन या मेयर सब हाथ उठाकर वोट देते थे, इसमें इन्होंने उसे भी सीक्रेट वोटिंग कर दी है ताकि लोगों की फरीदो फरोख्त की जा सके। इस बिल को मुस्तरद करते हैं। बल्दियाती तरमीमी बिल की उजलत में मंजूरी, धांधली का आगाज। जमहूरियत का राग अलापने वालों ने गैर जमहूरी तर्ज अमल का मुजाहरा किया। जमात इस्लामी के अब्दुल रशीद की तनकीद, सिंध में सिविल डिक्टेटरशिप नाफिस है, हुसैन मिर्जा का इल्जाम। नए कानून में ऑपोजिशन की कोई तजावीज शामिल, सबको सुना जाएगा, नासिर शाह की यकीन दहानी। हमने इन सबको लिखा था, बहुत सारी सजेशंस हमने इस नए जो कवानीन बनाए हैं, जो नया लॉ है, इसमें इंक्लूड की है। ये खुद चाहते थे कि यहाँ पे टाउन सिस्टम हो, उस टाउन सिस्टम को दोबारा ला रहे हैं। शहबाज शरीफ का डस्का, इलेक्शन चोरी में मुलव्वस अफसरों और अमले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। पसे पर्दा रहकर धांधली कराने वालों को बेनकाब किया जाए, अवाम की राय चोरी करके वोट की तौहीन की गई। ऑपोजिशन लीडर का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही से कोरियन सफीर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल, दो तरफा तआवुन बढ़ाने पर भी तफाक। पंजाब में एयर एम्बुलेंस सर्विस के आगाज की सबनी मंजूर, रेस्क्यू 1122 की जानिब से टेंडर जारी किया जाएगा। वजीर आला उस्मान बुज़दार की कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। पंजाब में स्मोक के डेरे, लाहौर में मजमू एयर क्वालिटी इंडेक्स 379 तक पहुंच गया। शहरी आंखों और सांस की बीमारियों में मुब्तला, सूरत हाल के तदारुक के लिए इकदाम ना होने के बराबर। डेंगू के वार जारी, पंजाब में मजीद 4 मरीज दम तोड़ गए। 24 घंटे के दौरान सूबे में 147 केस रिपोर्ट, रावलपिंडी में 17, इस्लामाबाद में 7 शहरी बुखार में मुब्तला, खैबर पख्तूनख्वा में भी 45 अफराद अस्पताल दाखिल। महंगाई के तूफान में मोबाइल कॉल सस्ती, 1 जनवरी से 1 मिनट से ज्यादा बात करने पर 50 पैसे फी मिनट चार्ज होंगे। अगले साल 1 जुलाई से 40 पैसे फी मिनट रेट लागू होगा। गैस बहरान, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में प्रेशर कम, खाना पकाना भी नामुमकिन, अवाम महंगे दामों LPG खरीदने पर मजबूर। और चिटागांग टेस्ट का पहला रोज, खेल के इख्तिताम तक बांग्लादेश के पाकिस्तान के खिलाफ 4 विकेट पर 253 रन, लुटन दास 113 और मुशफिकुर रहीम 82 के इनफरादी स्कोर के साथ क्रीज पर मौजूद।